मुंडी नगर के केनु चौराहे पर व्यापारी द्वारा बिना लाइसेंस के अनाज खरीदी का कार्य किया जा रहा था। हालांकि मुंडी नगर में कई व्यापारी हैं जो बिना लाइसेंस के माल खरीदी करते हैं। वहीं आज पुनासा एसडीएम जंग बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ केनुद रोड स्थित एक दुकान पर पहुंचे। वहीं मुंडी मंडी अधिकारियों को भी इस मामले में सूचना दी। मंडी अधिकारी मौके पर पहुंचे, अनाज का पंचनामा बनाया और बिना लाइसेंस के अनाज खरीदने पर व्यापारी पर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया गया। अब देखना होगा क्या प्रशासन आगे भी मुंडी नगर के अन्य व्यापारी जो बिना लाइसेंस के अनाज खरीद रहे हैं उन पर कार्रवाई कर पाता है या नहीं। फिलहाल एक दुकान पर कार्रवाई करने से बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों में हड़कंप मच गया और उन्होंने दुकान बंद कर दी। अब देखना होगा इन व्यापारियों पर कब कार्रवाई होगी। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। सर आपके द्वारा आज क्या अभी क्या कार्रवाई की गई है? अनाज व्यापारी के द्वारा बिना लाइसेंस के यहाँ अवैध रूप से जो क्रय विक्रय का कार्य किया जा रहा था उसकी जांच की गई है और मंडी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई। सर एक शिकायत पे हुई है कि ऐसे नहीं, ये तो रूटीन जांच का विषय है। मतलब हम किसान संघ द्वारा ऐसा कोई नहीं, नहीं ऐसा किसी के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं था, ये रूटीन प्रोसेस में ही जांच की गई। सर कितना क्या ऐसा मुझे कितना कपास या गन्ना वगैरह? हाँ, इसकी मंडी की टीम के द्वारा अलग से असेसमेंट किया जाएगा। बाकी कपास, सोयाबीन और अलग अलग किस्म के जीन्स यहाँ पाए गए थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं पाया गया। क्या नाम से सर ये दुकान ये अशोक मंडलोई? सर ये सर बिना लाइसेंस के अगर चल रहे थे तो क्या मंडी की कोई जवाबदारी नहीं थी? इतने समय से क्या हो रहा है सर? नहीं, अब देखिए मंडी ही कार्रवाई कर रही है और किया जाता है। अभी चूंकि चुनाव का समय था तो सब लोग चुनाव कार्य में लगे थे, अब चुनाव कार्य समाप्त हो चुका है इसलिए सभी विभाग के लोग जो है अपना जो भी काम है वो कर। सर ऐसे और भी जैसे दुकानें हैं उन पे भी कार्रवाई होगी कि सिर्फ एक ही ऐसा रहेगा? नहीं नहीं, सभी पर कार्रवाई होगी। जहाँ भी यदि अवैध रूप से कार्य किया जाएगा सभी जगह नियमानुसार कार्रवाई होगी।